अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो अपने यूट्यूब की सेटिंग पे जाके नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, जहां पे आप अपने बेल के आइकॉन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं करा तो आप आने वाली वीडियो को मिस कर देंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट टेंस की होती क्या है। अगर हमें टेंस सीखना है तो सबसे पहले हमें उसकी पहचान को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना किसी पहचान के हम टेंस को समझ नहीं सकते। तो आज का टॉपिक हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट को लेके है, सिंपल फ्यूचर को लेके है, जिसकी बेसिक आइडेंटिफिकेशन गा घे घी आती है। सेंटेंस के आखिरी में आपको हमेशा गा घे घी मिलेगा, जाएगा, आएगा, खेलेगा, कूदेगा, रहेगा, सोएगा, नाचेगा, कुछ भी होगा, सब में लास्ट में गावड़ मिलेगा। याद रखिएगा, क्रिया शब्द के साथ, क्रिया दैट मीन्स जो शरीर के बॉडी पार्ट से हलचल होती है, वो सारी की सारी चीजें हमारी क्रिया कहलाती है, दैट इज वाई फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें बेसिक बात क्या है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इस्तेमाल करनी करनी है, लेकिन साथ में विल या शैल लगाना है। अब इसकी खास बात बता दूं मैं आपको कि मेन वर्ब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब जो है विल या शैल। विल या शैल एक टाइम पे एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जो गागेगी लास्ट में लग रहा है आपका, वो मीनिंग बनाने के लिए है, मीनिंगफुल बनाने के लिए है कि लास्ट में गागेगी लगा दो और उसके बाद विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है इसमें। तो यहाँ पर विल या शैल में से एक लगेगा, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बस आई और वी इनके साथ शैल लगाओ, बाकी सभी के साथ भी। अभी आपको और अच्छे तरीके से आएगा समझ में। देखिए, सेंटेंस मेकिंग की अगर बात करें, सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। जैसे नंबर वन, मैं पत्र लिखूंगा, हम कल स्कूल जाएंगे, तुम एक किताब पढ़ोगे, उसके पिता कल दिल्ली से आएंगे। सब में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सब में बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर वर्ब की फॉर्म के साथ गागेगी आ रहा है। यहाँ पे भी जाना है तो गागेगी, है ना। यहाँ पे पढ़ना है, गागेगी, आना है, गागेगी, सब में। सो बेसिक एक रूल रहेगा, सब्जेक्ट विल या शैल में से एक, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और अगर एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा लगा दो। तो देखिए, पहला सेंटेंस, मैं एक पत्र लिखूंगा, तो दैट मीन्स मैं कल एक पत्र लिखूंगा तो आई शैल राइट अ लेटर। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। आप आई के साथ शैल लगाइए, क्योंकि आई के साथ शैल ही लगता है। लिखने की क्रिया जो है राइट है, इसलिए मैंने राइट लिख दिया। ए लेटर ऑब्जेक्ट है, एंड देन हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी आप सेंटेंस मेकिंग बनाते हैं तो उसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान देना पड़ता है, वो ध्यान देना पड़ता है आपको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब जब तक आपको नहीं पता होगा आप सेंटेंस नहीं बना सकते। दूसरा, हम कल स्कूल जाएंगे, तो इसके अंदर हम जो है सेंटेंस में, हम है सब्जेक्ट, हम है सब्जेक्ट। कहाँ जाएंगे, स्कूल, स्कूल है ऑब्जेक्ट, और जाना है क्रिया। तो हमको बोलते हैं वी, वी के साथ शैल, क्योंकि वी आई और वी के साथ शैल लगता है। वी शैल जाना, क्योंकि रूल कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रूल कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाने की फर्स्ट फॉर्म गो, और गो के साथ हमेशा टू लगता है। वी शैल गो टू स्कूल, और कल जो है ये आने वाला कल है, तो इसकी वजह से यहाँ क्या लगेगा, टुमारो। वी शैल गो टू स्कूल टुमारो, ठीक है। उसके बाद तुम एक किताब पढ़ोगे, तो यू, और उसके बाद यू के साथ विल, यू विल रीड अ बुक। नेक्स्ट, उसके पिता कल दिल्ली से आएंगे, उसके पिता पूरा सब्जेक्ट है, और क्योंकि उसके पिता एक है इसलिए विल। बहुत सारे होते तो भी विल लगाना पड़ता, तो हीज फादर या हर फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जब सिंपल सेंटेंस है, देन उसके बाद नेगेटिव है, तो नेगेटिव में कुछ भी नहीं है, हमें सेम आइडेंटिफिकेशन यही इस्तेमाल हो रही है। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर बस नहीं आ जाएगा,
और वही गागे की रह गई और इसके अंदर है ना सब में नहीं आएगा और गागे की से भी रहेगा। और रूल में बस क्या चेंज हो रहा है, इन दिस रूल यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज ओनली नॉट, विल एंड शैल के बाद नॉट इस्तेमाल हो रहा है, देन सेम वही रूल है सारा का सारा, बस नहीं के लिए नॉट और कुछ नहीं है। सो बेसिक अब यहाँ पे नेगेटिव में ये हुआ कि मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा, तो आई शैल नॉट गो टू अलीगढ़। लड़के कल दिन में नहीं सोएंगे, तो बॉयज विल नॉट स्लीप इन अ डे। दूसरा, तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट रीड द बुक। ठीक है, हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट हम, क्या नहीं खेलेंगे, हॉकी का मैच ऑब्जेक्ट, खेलना वर्ब, गागे की पहचान और नहीं है तो नेगेटिव। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट पे हम, हमको बोलते हैं वी, वी शैल नॉट, नॉट खेलने को प्ले, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी का मैच, मैच ऑफ हॉकी, एक्स्ट्रा क्या है कल, तो बन गया ना टुमारो। तो आपको बस देखना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, उसके हिसाब से लगाना है रूल एंड देन आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे, वी शैल नॉट प्ले अ हॉकी मैच टुमारो। तो दिस इज योर नेगेटिव। अब अगर इंटरोगेटिव की तरफ बढ़े तो इंटरोगेटिव में कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या आगे आ जाता है, तो क्या आगे आ जाता है, जिसके लिए विल या शैल आगे आ जाएगा एंड देन सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर वह तुमको कुछ कलम देंगे, तो कलम देंगे पेन देंगे, दैट मीन्स तो यहाँ पर पेन है ऑब्जेक्ट, देना वर्ब है, और क्या से ये पता चलेगा कि वो वह के लिए किस पे लगेगा, वह ही है और ही के साथ विल आता है तो विल पहले लग जाएगा, बस और कुछ नहीं है। जो भी आप हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगाते थे वही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लग जाएगा। तो यहाँ पर विल या शैल में से पहले विल आएगा एंड देन ही, तो इसके हिसाब से जब ये बनेगा, विल ही गिव यू सम पेन, विल ही गिव यू सम पेन, क्या वह आम खाएंगे, वे को बोलते हैं दे, दे के साथ लगता है विल, तो विल वो पहले लग जाएगा, विल दे ईट मैंगोस। सो दिस इज योर इंटरोगेटिव। दूसरा, क्या तुम्हारा भाई कल आएगा, तो विल, विल योर ब्रदर कम टुमारो, साइन ऑफ इंटरोगेटिव। एंड देन क्या मारिया गाना गाएगी, विल मारिया सिंग अ सॉन्ग, सिंग सॉन्ग। सो दिस इज योर अबाउट future indefinite and you need to understand one thing, will or shall and then verb ki first form. Agar aap negative bana rahe ho to will or shall ke baad not laga do, interrogative bana rahe ho to will ya shall aage kar do, aur simple bana rahe ho to simple sa wahi hai, will ya shall ke sath verb ki first form. फाइनली अगर आप नए हैं इस चैनल के लिए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जरूर बोलिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी इस चैनल के सपोर्ट के लिए और नॉलेज के लिए बताते रहिए। सो गाइज टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।